मैं अभी परसों ही उन लड़कियों के साथ मिली जिनके साथ सच में फोर्स कन्वर्जन्स हुए हैं। फिल्म में हमने स्टोरी दिखाई है तीनों लड़कियों की, वो बिल्कुल सब कुछ सच है, क्योंकि सुदीप तो सर जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं वो पिछले 7 सालों से इस फिल्म पे रिसर्च कर रहे हैं। तो वर्ड बाय वर्ड ये परसों एक लड़की ने बोला कि जो जो मेरे कैरेक्टर ने लाइन्स कही है फिल्म में वो सब उनके साथ हुआ था। मुझे लगता है थोड़ा सा अवेयरनेस लड़के लड़कियों को सबको होनी चाहिए कि कोई उन्हें गलत तरह से ब्रेन वॉश ना कर ले। जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स जब आप करते हो, अगर लोग उसे गुस्से से देखते हैं या नफरत करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपने उसे सही तरीके से किया, शायद इसीलिए लोगों को गुस्सा आ रहा है। नहीं, मुझे तो लगता है बहुत सारी फिल्म्स पे, लाल सिंह चड्ढा और ऐसी बहुत सारी फिल्म्स थी जिसपे विवाद हुए थे, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि विवादों की वजह से फिल्म हिट होती है, क्योंकि एक एक लिमिट तक तो हिट हो जाती है उससे, पर आज भी लोग देखे जा रहे हैं। आज इतने वीक्स हो गए हमारी फिल्म को रिलीज हुए हुए। मैं अभी परसों ही उन लड़कियों के साथ मिली जिनके साथ सच में फोर्स कन्वर्जन्स हुए हैं। 26 लड़कियां आई थी और उनके आश्रम में कुछ 7,000 लोगों का ऐसा रिकॉर्ड है लड़के लड़कियों का जिनके साथ फोर्स कन्वर्जन हुआ है। और रही बात जो फिल्म में हमने स्टोरी दिखाई है तीनों लड़कियों की, वो बिल्कुल सब कुछ सच है, क्योंकि सुदीप तो सर जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं वो पिछले 7 सालों से इस फिल्म पे रिसर्च कर रहे हैं। फिल्म जब हम लोग साइन कर रहे थे तब उन्होंने हमें वो पिक्चर्स वीडियोज वो सब दिखाए थे जो उन्होंने कलेक्ट किया उन 7 सालों में। तो और वो शालिनी का जो कैरेक्टर है उन्होंने अपनी बुक भी लिखी है पूरी। तो वर्ड बाय वर्ड ये परसों एक लड़की ने बोला कि जो जो मेरे कैरेक्टर ने लाइन्स कही है फिल्म में वो सब उनके साथ हुआ था। देखिए, हमने एक अच्छी इंटेंशन से फिल्म बनाई थी। मैंने जैसे आपको बताया सुदीप तो सर ने 7 साल से रिसर्च किया, उनका पर्पस ये था कि ये ट्रू स्टोरी है जो बहुत लोगों को नहीं पता और सब लोगों के सामने आए। अब अगर इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने लाने के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हेल्प कर रही है, मुझे नहीं पता किसका क्या एजेंडा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात फैलाई जा रही है तो ये तो अच्छी बात है ना। ब्रेन वॉशिंग को लेकर यही कि फिल्म देखिए और आप समझिए कि ब्रेन वॉश किस तरीके से किया जाता है। सिर्फ ये नहीं, और अलग अलग तरीके के भी ब्रेन वॉश होते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा अवेयरनेस लड़के लड़कियों को सबको होनी चाहिए कि कोई उन्हें गलत तरह से ब्रेन वॉश ना कर ले।